वेलकम टू बॉलीगल। बीइंग अ स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट की लाइफ एडवेंचरस होती है बिकॉज दैट इज द यंग फेस ऑफ लाइफ, जहाँ एक सिंगल पर्सन के लिए सब कुछ नया होता है। बट एज गुड स्टूडेंट, हम सभी को ये अच्छे से समझना चाहिए दैट इज द ओनली फेस विच विल बी डिसाइड बैड और गुड आर फ्यूचर। बिकॉज टूडे दिस इज द टाइम जहाँ आज ज्यादातर यंग स्टूडेंट काफी इम्पेशेंस हो चुके हैं। वो अपनी सभी चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, बट शायद ये उनके भी गलती नहीं है। Anyway, there are some web series in Indian cinema which perfectly show the joy and struggle of a being student, जिसे एक student को जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जो कि स्टूडेंट लाइफ को परफेक्टली दिखाता है एंड बहुत कुछ समझाता भी है। एज ऑलवेज दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अंडी मंडी संडी जो ना नाचे उसको। नंबर 1, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लाइफ से इंस्पायर्ड है हु जॉइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा टू क्रैक द IIT एंट्रेंस एग्जाम। एक स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी उसके एजुकेशन को माना जाता है, जिसके लिए उसे हर एक एंगल से फोर्स भी किया जाता है। कोटा फैक्ट्री ऐसे ही कई और एस्पेक्ट को काफी अच्छे तरीके से दिखाता है कि कैसे एक IIT स्टूडेंट के लिए उसका फाइनल एग्जाम ही उसकी लाइफ बन जाता है। वेब सीरीज के थ्रू हम ये साफ देख सकते हैं हाउ सच पैशनेट स्टूडेंट अबाउट IIT। इट ऑल्सो एडेड द एक्सपेक्टेशन टू अब नॉर्मेलिटीज इन द कोचिंग लाइफ। दिस इज एन इंस्पायरिंग वेब सीरीज जिसे स्टूडेंट को एक बार जरूर देखनी चाहिए। स्टिल अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है सो वी हाईली रिकमेंड कि आप कोटा फैक्ट्री को जरूर देखें। एंड इफ यू ऑलरेडी वॉच्ड इट सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट कोटा फैक्ट्री इन द कॉमेंट सेक्शन। माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन है, फोकस है तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नंबर 2, इंदौरी इश्क। इंदौरी इश्क इज अ बेस्ड ऑन लव स्टोरी कि कैसे एक लड़का अपने स्कूल टाइम से अपने क्लासमेट से प्यार करता है एंड हाउ इज ही ट्राइंग टू वॉन हर। उसका प्यार उसे कहां तक लेकर जाता है ये तो आप वेब सीरीज के देखने के बाद ही समझ पाएंगे। While watching this web series, I really felt कि मैं कबीर सिंह देख रही हूँ। Today this is the time जब आज student के love side को मजाक में लिया जाता है and in the India it is ignored। Parents भी student के side को नहीं समझ पाते but I think this is the only reason जिसकी वजह से एक student काफी distract और suffer करता है। In the case of this, एक student को समझ नहीं आता what are they actual doing with their self, जो कि इस web series में बड़ी clearly तरीके से दिखाई गई है। वेब सीरीज अपने नरेटिव को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है जहाँ एक स्टूडेंट की कई फंडामेंटल चीजें क्लियर होती हैं। सो हम जरूर चाहेंगे कि आप इंदौरी इश्क को एक बार जरूर देखें, बट बीइंग स्मार्ट व्यूअर। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो अचानक एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे दोस्त, विल सॉर्ट द थिंग्स आउट। पुराने प्यार को भूलने के लिए नए प्यार का आना जरूरी है। मुझे तारा चाहिए, तारा नहीं लूडू, साइकेट्रिस्ट चाहिए। नंबर 3, कॉलेज रोमांस। वेब सीरीज कॉलेज रोमांस फ्रेंड्स के बीच होने वाले अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है। एवरीवन नो दैट स्टूडेंट लाइफ पीरियड इज एन बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ जिसको हमें एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। 3 बेस्ट फ्रेंड्स लुक फॉर लव लाफ एंड सम लाइफ लॉन्ग मेमोरीज व्हाइल अटेंडिंग कॉलेज टुगेदर, और यही चीज हमें इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। कॉलेज रोमांस को ऑडियंस ने ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिया था एंड अभी रिसेंट में इसका 3rd सीजन भी लॉन्च किया गया है। इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वेब सीरीज को इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया था कि सभी ऑडियंस इस वेब सीरीज से इजीली कनेक्ट कर पाए थे। वैसे आपको कॉलेज रोमांस कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट। प्लीज हेल्प कर दे यार, ये फैसले ना दिमाग से नहीं दिल से लेते, डिक से, एंड इन योर केस वजाइना। नंबर 4, फ्लेम्स। फ्लेम्स एक स्टूडेंट की पढ़ाई और प्यार के बीच आने वाले डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है। वेब सीरीज की स्टोरी ऑलमोस्ट एक सिंपल स्टूडेंट के अराउंड चलती है एंड इट क्लियरली शोज कि एक स्टूडेंट अपने स्कूल टाइम पर क्या परसेप्शंस रखता है, उसकी लाइफ में क्या अप्स डाउन्स होते हैं, वो किस तरह अपनी सभी चीजों को हैंडल करता है। इफ यू रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अगेन योर स्कूल टाइम सो दैट इज गुड वेब सीरीज फॉर यू, जिसके थ्रू आप अपने स्कूल टाइम को अगेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट इज वाई वी हाईली रिकमेंड कि आप फ्लेम्स को एक बार जरूर देखें। हमारी बात नहीं हो पा रही थी, मैंने घर वालों से छुपा के अपने लिए फोन रख लिया। तुम एक हफ्ते से ट्यूशन नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे घर आ गया पर तुम एक मिनट नहीं आई ना मिलने। क्या प्रॉब्लम है, फिर ब्रेकअप करने क्या? तू तो चाहती है ये ब्रेकअप हो जाए, पीछा छूटे तेरा। नंबर 5, लाखों में एक। वेब सीरीज एक स्टूडेंट के अराउंड घूमती है जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता है एंड ही गॉट फेमस आल्सो, बट उसके फादर उसे एक IITian बनाना चाहते हैं एंड उसे IIT के लिए कोचिंग सेंटर भेज देते हैं।
वेब सीरीज ये बहुत अच्छे ढंग से दिखाता है कि कैसे एक स्टूडेंट को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं करने दी जाती एंड उन पर फोर्सफुली IIT जैसे और भी कई चीजों को करने कहा जाता है। एंड आई थिंक दिस इज राइट बिकॉज यही चीज हमारी सोसाइटी में भी होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है ये बस वही जानता है। वेब सीरीज को एक अच्छे नैरेटिव के साथ दिखाया गया था जिसको ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया। हम जरूर चाहेंगे कि आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखें, स्टिल इफ यू हैव नॉट सीन। नंबर 6, इमेच्योर। इमेच्योर एक अपकमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज है जिसमें हम एक स्टूडेंट को देखते हैं कि वो किस तरह बैड हैबिट्स की ओर जाता है। हम सभी को ये पता होना चाहिए कि इन द टीनेज इज एन सेंसिटिव टाइम पीरियड जिसमें एक स्टूडेंट बैड हैबिट्स की ओर जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, और यही सेम चीज हमने इमेच्योर वेब सीरीज में भी देखी है। वेब सीरीज एक इमेच्योर स्टूडेंट के अराउंड चलती है जहां वो अपने पहले क्रश को वॉर्न करना चाहता है जो कि क्लास की टॉपर है। उसके अनएक्सपेक्टेड चीजों की वजह से उसका दिल कैसे ब्रेक होता है एंड वो फर्स्ट टाइम ड्रिंक कैसे करता है, वो और भी कई सारी अननेसेसरी चीजों को कैसे करता है, ये सभी चीज हम इस वेब सीरीज में देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफी रिलेटेबल है। हमें ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखनी चाहिए बिकॉज देयर इज मोर थिंग जिसके थ्रू हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं। अंडी मंडी संडी जोना नाचे उसकी। क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स एक कॉमन IIT स्टूडेंट पर बेस्ड एक सिंपल स्टोरी है जिससे हम काफी जल्दी खुद को कनेक्ट भी कर पाते हैं। हर एक कहानी की तरह इस स्टोरी में भी एक फ्रेंड सर्कल है। ये स्टोरी हम एक स्टूडेंट के लाइफ, उसकी स्टडी, उसके डिस्ट्रैक्शन और उस पर टॉपर बनने के प्रेशर को शो करता है। ये कहानी है कोटा नाम के शहर की जहाँ कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो गलत तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, बट उसका सीधा साइड इफेक्ट एक स्टूडेंट के लाइफ पर पड़ता है कि सभी इंस्टीट्यूट नंबर 1 पर बने रहना चाहते हैं नो मैटर कि उनका तरीका क्या है। ये वेब सीरीज एक परफेक्ट स्टूडेंट लाइफ को शो करता है, उसके एजुकेशन, अफेयर, एडिक्शन, रिलेशन और प्रेशर। बट हमें लगता है इस वेब सीरीज को थोड़ा लंबा किया गया है, इसके एपिसोड को कम करके इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, बट स्टिल इट इज अ गुड वेब सीरीज विच मेक यू फील रिलेटेबल। आई नीड यू टू टीच मी। मैं स्टूडेंट से घर पे नहीं मिलता हूँ। हम फिर मिल सकते हैं क्या? क्यों? आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। ढकेल लो इसे अपने गले से। तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद इट्स पॉलिकल, जहां आपको एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी इनमें से सबसे बेस्ट 3 वेब सीरीज कौन सी है। टीम पॉलिकल इज ऑल्सो टेलिंग यू ऑन स्क्रीन विद इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर विच यू वॉन्ट। बाय बाय।